सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 18 टू सितंबर 24। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड अगर धनु राशि में है, सैजिटेरियस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बात करूंगी। आपकी जो मैं मेडिटेशन के दौरान जब मैं आपकी एनर्जीज को पिकअप करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे जो विजन में नजर महसूस हो रहा था, जैसे कोई अपनी माँ से कुछ कहना चाहता है। मुझे माँ बहुत माँ की एनर्जी, जैसे मदर एनर्जी, एम्प्रेस कार्ड, तो जैसे आप शायद अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हैं या आपकी माँ आपसे कुछ कहना चाहती है, मुझे वो सीन नज़र आ रहा था। जैसे कश्मकश में हैं सेजिटेरियस साइन के लोग, कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी माँ से, लेकिन वो कुछ कुछ है उनके दिमाग में, कुछ ऐसी कहानी है जो उन्हें कह रही है कि नहीं अभी मत बताओ, लेकिन दिल कह रहा है कि बता दो। तो ऐसे कश्मकश से चल रही है। ये आपकी माँ की भी एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि टैरो में जब एनर्जीज की यही दिक्कत है जनरल रीडिंग्स में, कि आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये आपकी एनर्जी है या आप जिस शख्स के साथ डील कर रहे हैं उसकी एनर्जी है। तो यकीनन अगर आपके मन में कोई ऐसी दुविधा है कि आपको लग रहा है कि ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, मेरी आपसे सलाह होगी कि आप मेडिटेशन कीजिए। उसको करने से पहले 7-8 दिन आप मेडिटेशन कीजिए और फिर देखिए कि आपकी इंट्यूशन की सुनिए, दिमाग की नहीं, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ का आंसर होगा आपके लिए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। अब आपके कार्ड्स देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत यंग एनर्जी। कोई आइडिया किसी के साथ शेयर करना, कोई राज अपना किसी के साथ शेयर करना, अगेन किसी को लव ऑफर देना, ये उसकी और भी संकेत देता है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद क्रश है किसी शख्स पर, और ये बहुत खूबसूरत होगा। ये कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकता है शख्स, हालांकि साइंस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अगेन ये जनरल रीडिंग है, सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट में भी ना हो। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आप शायद कोई किसी को कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई रिश्ता है, आप किसी को अपने दिल की भावना बताना चाहते हैं। ये हफ्ता उसके लिए मुझे सक्सेसफुल शब्द सुना कि वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप अपनी भावना को, अपने दिल को, दिल में अगर कोई भी आपका ऐसा अरमान है जो दूसरों के साथ आप दूसरे को व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ठीक होगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पर मुझे वो माँ वाली जो मैंने मेडिटेशन में आपको के दौरान मुझे जो नज़र आया, वो मुझे एनर्जी महसूस नहीं हो रही। ये जैसे कप आप किसी शख्स को देना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है शायद वो उसकी गाइडेंस के लिए आप अपनी माँ से पूछना चाहते हैं कि ये सही कर रही हूँ मैं या नहीं कर रही हूँ। कभी कभी एक माँ और बेटी में बहुत प्यार वाला और दोस्ती वाला रिश्ता होता है, तो हम आसानी से वो सभी बातें शेयर कर पाते हैं कुछ रिलेशनशिप्स में, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हर कुछ काफ़ी कंजर्वेटिव भी पेरेंट्स होते हैं, अपनी अपने तरीके से इस गाइडेंस को लीजिएगा आप। लेकिन ये कार्ड मुझे यही कह रहा है, जैसे लव ऑफर, या तो आपको कोई आ सकता है या फिर आप किसी को दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी ये प्रपोज करेगा, ये शख्स आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, यंग हो सकता है। अगर आप किसी का कर रहे हैं तो अगेन सेम, मुझे बहुत यंग एनर्जी, बहुत ही स्वीट सी, यू नो, वो सिक्स ऑफ कप्स वाली एनर्जी, बहुत स्वीट, क्यूट सी, अडोरेबल जिसे कहते हैं, जिन्हें अभी कभी कभी हम मजाकिया तौर पर भी कहते हैं, वो टीनेजर लव होता है ना, जिसमें बच्चे कह भी देते हैं दूसरे को आई लव यू, लेकिन उन्हें आई लव यू का मतलब भी नहीं पता होता। तो बहुत स्वीट सी, अडोरेबल सी, फन, यू नो, एनर्जी है ये, बहुत अच्छी एनर्जी। आपका अगला कार्ड देखते हैं। ओह, टेन ऑफ वॉन्स, थके हुई एनर्जी। तो आप में से कुछ लोग शायद थके हुए हैं,
ऐसा क्या कर लिया सेजिटेरियस कि आप थक गए? जैसे कोई सफर पर निकला था, जंगल के लिए निकला था और वहां से लकड़ियां इकट्ठी करनी थी। उसने लकड़ियां तो इकट्ठी कर ली, लेकिन वो जब रास्ते घर वापस मुड़ने वाला था तो वो कहीं भटक गया और उसकी वजह से जो उसका सफर था वो लंबा हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे आप एक मंजिल की ओर निकले थे, लेकिन वहां पहुंचने के चक्कर में आप कहीं भटक गए और रास्ता भटकते भटकते वो इतना लंबा हो गया सफर कि वो मंजिल पर पहुंचने का भी जो मज़ा था वो जैसे किरकिरा हो जाना, जैसे अब मंजिल पर पहुंचने की भी आपको खुशी नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया सेजिटेरियस ने? बहुत सारा भार आप में से बहुत सारे लोगों के, मुझे बहुत स्ट्रांग मेरे शोल्डर्स में, मेरी मेरी जो अपर बैक है उसमें बहुत स्ट्रेस। आप में से कुछ लोगों को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, डेफिनेटली। आप में से कुछ लोग जैसे एक ही पॉस्चर में काफ़ी समय के लिए, जैसे एक घंटे के लिए एक ही पॉस्चर में बैठना, और उसकी वजह से एनर्जीज का वो क्लॉग नहीं हो जाती, जैसे जैसे वो खून कहते हैं कि जम जाना, तो ऐसे ही एनर्जीज भी कभी कभी हमारे शरीर में जम जाती हैं। तो अगर आप ऐसा भी कुछ कर रहे हैं ना सेजिटेरियस, मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी को एवरी 30 मिनट्स और 20 मिनट्स आप उसको स्ट्रेच करें। आपको स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, आपको खुद को वो जो एनर्जीज रुकी हुई हैं उनके फ्लो, उनको फ्लो करने की ज़रूरत है, वो अच्छे से आपके पूरी बॉडी में फ्लो कर सकें। उसके लिए स्ट्रेचिंग, योगा बहुत उसकी महत्व है। हमारे भारत में तो बहुत ही महत्व है योगा का, राइट? तो वो किसी कारण के लिए है। अगर आप में से कुछ लोग योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए, और मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत भी है उस चीज़ की। वेरी इंटरेस्टिंग। अगला कार्ड देखते हैं आपका। ओ, 5 of Cups, वेरी इंटरेस्टिंग। और वाओ, ओ माय गॉड, मैंने कभी इस चीज को कभी ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि ये मेरा नया नया डेक है और मैंने ज्यादा यूज नहीं करती। देखिए, यहाँ पर ये जो घर है और यहाँ जो घर है उसकी सेम शेप है। तो आप में से कुछ लोग शायद रिलेशनशिप से थके हुए हैं, आप में से कुछ ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहाँ पर दूसरा सामने वाला शख्स आपको कोई सी किनारे पर नहीं लगा रहा, ना तो वो आपको अच्छे से अलविदा कह रहा है, ना ही आपको कमिटमेंट का वादा कर रहा है। जैसे आपको बीच बीच में रखना, जैसे किसी को हाँ या ना नहीं करना, बस वो मे बी वाली सिचुएशन, वो जो यस और नो पिक कार्ड्स होती है ना, उसमें कभी कभी मे बी, और वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है मेरे ख्याल से। नो आंसर आ जाए तो अभी हमें तो हमें सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि चलो नो आ गया, लेकिन जब मे बी आती है ना, मुझे बहुत नफरत है मे बी से, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा दुखती है। फिर हम अपने ही दिमाग में रहते हैं कि इसका हाँ होगा या ना होगा, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती एनर्जी उसकी। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी महसूस हो रही है गाइस। आप में से कुछ लोगों को कुछ लोग आप ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जिसे खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। ये शख्स आपके साथ कमिटमेंट में इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसका पास्ट जो है इसे हॉन्ट कर रहा है, इसे इसको पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। वो आपको शायद पसंद करता हो, यहाँ पर कप्स हैं तो फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन दिक्कत है उसके सबकॉन्शियस ब्लॉक। जब वो कमिटमेंट करने के लिए रेडी होता है, वो फिर से पास्ट जो उसे हॉन्ट करने लगता है और वो फिर कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो पाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अगेन यहाँ 3 of Cups जो हैं उनका जो अमृत है वो तो छलक गया, लेकिन ये 2 of Cups अभी भी बाकी हैं। तो उम्मीद, जैसे मुझे लग रहा है कि उम्मीद है इस रिलेशनशिप के एक कमिटमेंट में बदलने की, लेकिन अगेन इस शख्स को जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं इसे बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये मैरिज में भी आपका कोई पार्टनर है जिसका कोई बहुत ही एक रेपिटेटिव पैटर्न, जैसे कहते हैं एक रेपिटेटिव बिहेवियर, कभी कभी हमारे रिजिड बिहेवियर बन जाते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स है तो इसे बहुत सारी काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? शायद आप दोनों को मैरिज काउंसलर, जो मैरिज के लिए काउंसलिंग करते हैं स्पेसिफिकली, उन लोगों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। बहुत थका हुआ इसलिए मुझे ये एनर्जी महसूस हुई, जैसे कि आप ये शारीरिक तौर पर भी हो सकता है, लेकिन ये अब मुझे इमोशनली कि आप इमोशनली बहुत थक गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, वो इमोशनली स्टक हो जाना एक सिचुएशन में।
आपकी अगली अगला कार्ड देखते हैं आपका। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई। ओ माय गॉड, काउंसलिंग की बात कर रहे थे अभी हम और कम्युनिकेशन का कार्ड। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग एक ऐसे पार्टनर के साथ भी डील कर रहे हैं। अगेन, मैं जब पार्टनर शब्द यूज़ करूं तो उसे सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए मत लिया कीजिए। वो करियर में भी हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, आपके साथ काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को सुनिएगा। आप एक ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पर आप दोनों में कम्युनिकेशन बंद है, फिलहाल कम्युनिकेशन बंद है, और यहाँ पर वो चीज़ आपको स्ट्रेस कर रही है और वहाँ पर उस दूसरे शख्स को। लेकिन आप दोनों ही पहला कदम नहीं उठाना चाहते, पहला मैसेज अब उन्हें उन्हें लगता है कि पहला मैसेज आप करें, आपको लगता है पहला मैसेज वो करें। वो ये ईगो प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये देखिए, ये दो चेहरे हैं, ये इधर देख रही है, ये इधर देख रही है, जुड़े लेकिन कनेक्टेड हैं। वो कनेक्टेड हैं लेकिन वो सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। जैसे वो ईगो 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 गेम जिसे कहते हैं, और ईगो की तो चाल ही यही है ना। ईगो तो चाहती ही यही है, क्योंकि ईगो की जो खुराक है, ईगो का जो फूड है, वो होता है पेन। ईगो दर्द पर पलती है, इसीलिए वो आपको दर्द जितना देगी वो उतनी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इस इल्यूजन को समझिए, इस इल्यूजन को समझिए। अगर आपको किसी को सॉरी कहने की ज़रूरत है तो इंतज़ार किस बात का? सॉरी कहने से कोई छोटा या बड़ा थोड़ी हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज की, आपकी जो भी समस्या है सेजिटेरियस, बातचीत कर ही उसका हल हो सकता है। और मेडिटेशन में भी मैंने इसीलिए शायद यही देखा कि कुछ कहने की ज़रूरत है। शायद आप अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो डर है, और डर सच नहीं होता, हालांकि वो लगता ज़रूर सच है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है, मैं अगेन आपसे कहूँगी आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि आपकी हायर सेल्फ आपको अच्छे से गाइडेंस दे सके। ठीक है, बहुत डिफरेंट मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं सेजिटेरियस के लिए। माफ़ कीजिएगा अगर मैंने बीच में टॉरस बोल दिया हो। मैंने अगेन कहा, मैं बहुत थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो ये सेजिटेरियस के लिए रीडिंग है। ठीक है, या मैं इसे अब यहीं ख़त्म करती हूँ इस रीडिंग को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ मदद मिली होगी। इसे लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, कमेंट करना मत भूलेगा, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।